पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में जीआरपी पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है। जीआरपी पुलिस के द्वारा एक नाबालिग के साथ मारपीट की गई, जिसकी वजह से नाबालिग बच्चे के शरीर पर चोटों के निशान बन गए। मामले का संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति ने बच्चे को मेडिकल के लिए भेजकर कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल मामला जनपद मुरादाबाद के जीआरपी थाना क्षेत्र का है। स्टेशन पर नाबालिग बच्चे द्वारा गुटखे बेचे जा रहे थे, जिसे जीआरपी पुलिस ने पकड़ लिया। नाबालिग को अपराध करते हुए पकड़ा गया, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जीआरपी पुलिस के सिपाहियों द्वारा बहादुरी का परिचय दिया गया और उसे समझाने के बजाय उसके साथ डंडों से मारपीट की गई। जीआरपी पुलिस ने बच्चे को चाइल्ड लाइन सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। स्टेशन पे तो क्या हुआ? वहाँ पे पुलिस वाले ने देखा था तो मार रहे थे पकड़ के। क्यों मार रहे थे वो लोग? वो सोच रहे हैं कि ये गुटखा बेच रहे हैं, तभी मैं पकड़ के मारूंगा। तो कितने लोग थे? एक ही थे। एक ही पुलिस वाले ने मारा? हाँ। स्टेशन पे? हाँ। तो फिर आप यहाँ कैसे आए? यहाँ पे एक भैया ने लाया था। कहाँ कहाँ चोट लगी है आपके? यहाँ पे। आपने किसी से कुछ कहा नहीं जब उन्होंने मारपीट की? ना। कौन सी क्लास में? पीआर पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में? दो में। तो गुटके क्यों बेचते हो? खाना था, भूख लग रहा था, तभी खाना था, बेच रहा था। कौन बेचवाता है? मम्मी मेरी। बाल कल्याण समिति के द्वारा बच्चे के शरीर पर बड़े चोटों के निशानों को देखकर उसे मेडिकल के लिए भेजा गया, जहां दोषियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि नाबालिग मासूम कक्षा 2 का 12 वर्षीय छात्र है, जो एक विद्यालय में भी पढ़ता है, लेकिन परिवार की हठधर्मिता की वजह से उसे ये कार्य करना पड़ता है। बच्चा एक जीआरपी के द्वारा मिला है, लक्ष्मण नाम है इसका, उम्र 12 वर्ष है। ये गुटखा बेचते हुए मिला था रात, और जीआरपी ने चाइल्ड लाइन को दे दिया था। चाइल्ड लाइन ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, सीडब्ल्यूसी के सामने। बच्चे के अनुसार उसको जब गुटखा बेचते हुए पकड़े गया तो उसको मारा पीटा और उसके पैसे भी छीन लिए थे। जीआरपी से जिसने भी पकड़ा होगा इनको, अभी हमें नाम वगैरह क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन उसकी छानबीन की जाएगी किसने पकड़ा है, किसने मारा है इसको। क्या करता है ये बच्चा? ये बच्चा स्कूल में पढ़ता है, बाल विद्या मंदिर है, सेकंड क्लास में पढ़ने वाला है। और ये अच्छी बात है इसके परिवार में कि वो खुद गुटके बेचती हैं माँ, लेकिन बच्चे को पढ़ा रही हैं। बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वो तो इसलिए मतलब घर से निकल गया था, काउंसलिंग में पूछा गया कि मम्मी ने खाना अच्छा नहीं बनाया था, इसकी वजह से मैंने सोचा गुटके बेच के मैं पैसे ले लूंगा और कुछ अच्छा खाना खा लूंगा, इस वजह से। वैसे गुटका नहीं बेचता है बच्चा। लगभग कितनी उम्र है इसका? 12 वर्ष, लगभग 12 वर्ष। बच्चे ने क्या बताया? बच्चे ने बताया कि मैं घर से गुटके बेचने के लिए निकला था और मुझे जीआरपी ने पकड़ लिया और मेरे पैसे भी छीन लिए और मुझे मारा पीटा। क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी इसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है, उसके उपरांत जिसने भी इसके साथ ये शोषण किया है उसको कार्रवाई की जाएगी। बाल कल्याण समिति की सदस्य नीतू सक्सेना का कहना है कि यदि कोई अपराध कर रहा था तो उसको समझाया जा सकता था, लेकिन जीआरपी पुलिस को मानवता नहीं खोनी चाहिए थी और उसके साथ मारपीट नहीं करनी थी। ये लक्ष्मण नाम का बच्चा है जो कल जीआरपीएफ ने पकड़ा था, मैं गुटके बेचता हुआ स्टेशन पे, और वहाँ पे उन्होंने पकड़ के चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया करीब रात को 11 बजे का। चाइल्ड लाइन ने इसकी काउंसलिंग वगैरह की है, आज हमारे यहाँ पेश किया है। बच्चे ने अपनी काउंसलिंग में बताया है कि मेरे को जो पुलिस वाले अंकल थे उन्होंने पीटा है, तो उसकी शर्ट वगैरह देखी है हमने भी उतरवा के, तो उसके चोट के निशान है काफ़ी उसके। अभी उसकी मम्मी आई हुई हैं सपुर्दगी में लेने के लिए, तो उसका मेडिकल करा के आगे कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल मम्मी को दिया जा रहा है वो। क्या ये अभी कोई जानकारी हो पाई कि किसने इसके साथ? नहीं, अभी एक्चुअली इतनी अंदर तक नहीं पता चल पाया है, अभी जानकारी लेंगे वहाँ से कौन था ड्यूटी पे उस समय, वो सब चीज़ अभी बच्चे ने बताया है, तो आगे की जानकारी ली जाएगी संबंधित विभाग से। एक्शन अभी लिया जाएगा, एक्शन भी आगे का, लेकिन पहले मेडिकल वगैरह कराया जा रहा है, एक आध दिन में एक्शन भी किया जाएगा, जो भी उचित कार्रवाई वो की जाएगी। मेरा नाम इंदर सिंह है और मैं सीडब्ल्यूसी मेंबर हूँ यहाँ पर।